साक्षी एम एस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। चुनाव आयोग की सीएम योगी पर कार्रवाई, नफरत की जुबान पर ताला कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे चुनाव प्रचार के लिए बैन लगने पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है, नफरत के राग अलापने वालों की जुबान पर चुनाव आयोग ने ताला लगाया है। उन्होंने कहा, बीजेपी से जुड़े कुछ लोग अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते हैं और चेतावनी को सम्मान की तरह लेते हैं। आप राष्ट्रवादी है तो शहीदों का आदर करें, बीजेपी से प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में रैली के दौरान बीजेपी नेताओं को लेकर कहा, आप खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, ऐसा है तो शहीदों का आदर करिए, उन शहीदों का जो हिंदू है, जो मुसलमान है। प्रियंका ने आगे कहा, और जो शहीद आपके विपक्ष के नेता के पिता है, उनका भी आदर करिए। मोदी ने पैजामा पहनना नहीं सीखा था, तब नेहरू इंदिरा बना चुके थे देश की सेना, कमलनाथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैजामा पहनना भी नहीं सीखा था, तब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी देश की थल सेना, वायु सेना और नौसेना खड़ी कर चुके थे। उन्होंने कहा, आंकड़े बताते हैं कि देश में सबसे ज्यादा आतंकी हमले बीजेपी के कार्यकाल में हुए। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।